अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आपसे वादा किया था नेक्स्ट मंडे आपको ले चलेंगे एक और सेलिब्रिटी के घर, तो वादा कर लिया हमने पूरा। जनाब हम ले आए हैं आपको अपने एक और मेहमान के घर। ये ग्रीन बेल्ट देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी नफासत से बनी हुई है। बस समझ आइए इतने ही नफीस मेरी वो जो मेहमान है ना आज की, जिनके घर एक्चुअली मैं मेहमान बन के जा रही हूँ, उतनी ही नफीस हैं। आपने उनको देखा है हिंदुस्तान के पर्दे पे सिनेमा के, आपने उनको देखा है पाकिस्तान के सिनेमा के पर्दे पे। आज ही बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा पीछे जाइए। ये वो खातून हैं जिन्होंने जब PTV पे ड्रामा किया तो अपनी खूबसूरती का ऐसा डंका बजवाया कि हर लड़की की ख्वाहिश हो गई कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती, काश ये गोरा चिट्टा रंग मेरे पास भी होता। लेकिन ये हैं और इससे हमें इनकार भी नहीं। तो आज हम मौजूद हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत अनारकली के घर। कुछ याद आया आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही, अनारकली ड्रामा था PTV से और किया था ज़ेबा बख्तियार साहिबा ने। और उस वक्त हर शख्स ही चाहता था कि हाय ये मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये सब कुछ हम जानेंगे कि आखिर उस एक ड्रामे के बाद क्या क्या क्यामतें टूटी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और इन्होंने किन किन क्यामतों का जो है वो सामना किया। लेकिन सब जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा घर के अंदर। तो जनाब चलते हैं घर के अंदर और उनसे बात करते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको भी और खुद। आ जाइए मेरे साथ। क्या जल्दी है, आ जाइए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बादाम खाता हुआ पकड़ लिया मैंने आपको। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? पहले एनर्जी लेने दें, बहुत जरूरी ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, बहुत अरसे बाद मिल रहे। हाँ शुक्र है आप वापस आई, आपकी मोहब्बत खींच लाई। अच्छा इसीलिए मैंने आपको घर में छोड़ा। सबको मना करी भाई, हम सीधा घर में घुसे, हमने कहा जरा ढूंढते हैं कि ज़ेबा कहाँ है। तो कहाँ मिली हमें? किचन में बादाम खाती हुई। खूबसूरती का राज तो यही बता दिया कि फ्रेशनेस, जरा ये देख लें ये सजावा, ये जरूर खानी चाहिए चीजें, है ना। कहते एक मुट्ठी आप जरूर ले लें ये सारी। पठान और अखरोट बादाम ना खाए तो क्या फायदा। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी खाऊंगी। अच्छा कोयटा की कौन सी ऐसी याद है इसके अलावा जो साथ जुड़ी हुई है? पहाड़ों की खुशबू। पहाड़ों की खुशबू, क्या क्या बदला वहाँ, अच्छा या बुरा? बहुत बुरा, बहुत दुख वाला। दुख वाला बदल गया, पहले बहुत प्यारा, पहले की मोहब्बत ही भी अलग थी। मैं भी अब पिंडी जाती हूँ तो बहुत अलग लगता है। खैर वहाँ तो रोडें तोड़ तोड़ के उन्होंने नई नई बना दी तो इसलिए पता नहीं चलता। आप बताएं कोयटा जाती हूँ तो क्या लगता है वहाँ पे? तो सर रोडें तोड़े, यहाँ पे बहुत लोगों के दिल भी टूटे हैं, बहुत लोगों के ख्वाब भी टूटे हैं और वो बहुत लोग आ गए हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस ज़मीन से। अपने स्कूल कॉलेज जाती वहाँ जब जाती हैं वो तो गुजरना ही होता है क्योंकि वो रास्ते में आते हैं घर। कितनी यादें एक साथ उमड़ आती होंगी ना कि उफ इस रास्ते से गुजरते थे, यहाँ जब हम बाहर निकलते थे तो गोलगप्पे वाला खड़ा होता होगा या जो भी उस वक्त की जो भी चीज़ वहाँ पे सब लड़के खड़े होते थे। अच्छा कोई खाने पीने वाली चीज़ें ऐसी नहीं जो कुछ याद पड़ती हो? नहीं मुझे खाने पीने वाली कोई नहीं होती। घर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन ही इतनी होती होंगी? नहीं थी कोई नहीं ना, वो जो कुछ भी था कैंटीन में था, वो खटा हुआ वो वाला शहर नहीं था ना तब। हाँ सही। अच्छा ये बताइए कि ये वॉल आपने खुद डेकोरेट की है? नहीं ये ऐसे ही था। आए ना जरा चल के देखते, आइए आपको दिखाते कि मैं जब आई थी घुसते साथ ही ना काली मिर्च नमक ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्योंकि आपके अंदर भी ये वाली सारी चीज़ें हैं अभी अपने घर। अच्छा मज़े की बात है आपको हम ये बताते चले कि घर अभी हमने जब इनसे कहा कि हमने इनके साथ शो करना है तो इन्होंने कहा मेरा घर बिल्कुल सेट नहीं है। नहीं अभी सब चीज़ें यूँ ही बिखरी पड़ी हैं। अभी शिफ्ट किया, अभी सब कुछ पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर मैं सोच के कोई एक चीज़ लगाती हूँ, फिर 3 दिन काम में लगता है, फिर कोई एक चीज़ लगती है। आप डिज़ाइनर से सेट नहीं करवाती? मुझे नकली चीज़ें बहुत पसंद हैं। अपने हाथ से लगी हुई चीज़ें पसंद हैं ताकि पता तो हो कि अपने घर में चीज़ें हैं कहाँ कहाँ। मतलब जैसे अगर लकड़ी है तो लकड़ी होनी चाहिए ना, मसनूई चीज़ें नहीं चाहिए। अगर मसनूई चीज़ चाहिए हो तो फिर पूरी की पूरी वही हो। और वैसे भी इर्द गिर्द बहुत मसनूई लोग फिर रहे होते हैं और कहीं तो प्योरिटी मिले ना, है ना, कहीं तो मतलब पता चले ना कि कुदरत के करीब है। अच्छा अब हम लोग समझेंगे शायद आज हमने इस किचन में ये पूरा दिन गुजार देना। नहीं नहीं चले कहीं बैठे, है ना, आइए जरा।
जब आप इंडस्ट्री में आई पीटीवी का जब आपने प्ले किया कोयटा से, कोयटा में ही थी तब आप, इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी थी? नहीं नहीं, इस्लामाबाद तो मैं कभी भी नहीं शिफ्ट नहीं हुई थी, मैं क्वेटा में थी। कराची आना जाना तो होता था तो कराची आई थी। कितनी कॉम्प्लिकेशन आई थी परमिशन लेने के लिए? टॉर्नी जर्नल की बेटी, मतलब घर का माहौल ही ये नहीं होगा ना, घर का माहौल भी कड़क किस्म का था या सही थे अब्बा हजूर? नहीं नहीं, अब्बा अपने अपने तरीके से सख्त थे लेकिन बहुत नरम दिल थे। नारियल ऊपर से सख्त अंदर से नरम। तो सच क्यूरियोसिटी थी और वो उन्होंने कहा कि चलो मतलब बच्ची पूरी कर लो, बच्ची को करना है तो एक दफ़ा करके देख लो, पीटीवी भी ठीक है और हाँ। वो उस तरह का नहीं, मतलब कुछ अजीब सा तो लगा था क्योंकि कभी भी फैमिली से किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब स्टेज स्कूल कॉलेज के स्टेज से आगे किसी ने कुछ किया नहीं और ना ही कुछ ऐसे लोगों को जानते थे जो इस काम के थे। सिर्फ अजीब बात ये, मतलब अजीब नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे वालिद के साथ स्कूल में प्री पार्टीशन टाइम पे रहमान एक एक्टर होते थे जो गुरुदत्त साहब की फिल्मों में, वो डैडी के क्लास फेलो थे। अच्छा। तो एक मरतबा जब भुट्टो साहब का केस हो रहा था और मैं कोई 11-12 साल की थी तो रहमान साहब मिलने आए थे डैडी से, तब उन्होंने कहा था कि देखो याहिया तुम किस काम में चले गए, मैं किस काम में आ गया। तो मुझे अभी तक याद है कि वो एक लंबे से अंकल आए थे मिलने और डैडी ने मुझे कहा था कि ये फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार है। तो तब इतनी फिल्में नहीं देखी थी, तब वो एक्सपोजर नहीं था। बाद में जब गुरुदत्त की फिल्में देखी तो पता चला कि ये डैडी के क्लास फेलो थे। और अभी कुछ पुरानी मुझे अभी बल्कि पिछले 2-3 महीने पहले मैं क्वेटा गई थी तो मैं पुरानी तस्वीरें मुझे मिली काफ़ी सारी। अच्छा। डैडी के ऑफिस में तो उसमें उनकी कुछ एक तस्वीर मुझे मिली थी, गुरुदत्त साहब, रहमान साहब की, रहमान साहब की डैडी के, वो तो स्कूल की तस्वीर थी लेकिन वो चेहरे पहचानने की मैं कोशिश करी थी कि इनमें से मैं किस किस को जानती हूँ, तो डैडी के कुछ दोस्तों को मैंने पहचाना था। तो मेरे ख्याल उन्होंने इतने प्यार और इतने दिल से कहा होगा कि याहिया साहब की फैमिली से भी एक जो उनकी खूबसूरत सी बेटी ना, वो सिर्फ फिल्म ही नहीं और टीवी ही नहीं, वो तो मतलब अब छा गई पता नहीं। बल्कि अजीब बात ये थी कि जब डैडी इतने उनका नहीं थी मर्जी के मुझे इजाज़त दे, तो मेरा जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो ये होता था कि डैडी देखें हिस्टोरिकली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक्टर बनना चाहते थे और वो शेक्सपियर करना था, तो देखिए कायदे आज़म करना चाहता तो ये गलत काम नहीं हो सकता। और मेरा ये आर्ग्यूमेंट, मतलब डैडी बेजार थे मुझसे, मैं उनका इंतजार करती थी ऑफिस से घर आएंगे, मैं कहती डैडी यू नो कायदे आज़म वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, अच्छा अच्छा चुप करो। अच्छा, मतलब आपको अंदर से शौक था कि मुझे करना है? मैं बहुत एक बाकी किस्म का जिद्दी बंदा हूँ, अगर कुछ कोई मुझे ठान ली तो फिर ठान ली, बस मतलब एक दफा तो करके देखने की क्या होता है ना? अब वो एक दफे के चक्कर में हुआ ये कि वो एक दफा कुछ बाकी खुद ही होता चला गया। ये बताएं कि जब अनारकली बन गई और फिर कोयटा में, तो फिर आप ज़ेबे बख्तियार का अनारकली ज्यादा दिख, लोगों का क्या रिएक्शन आया था उस वक्त जब आप फिर कॉलेज कर रही थी, तब कॉलेज में थी? नहीं, मैं कॉलेज से निकल चुकी थी, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। अच्छा। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लिटरेचर डिपार्टमेंट। तो एक मेरे ख्याल में किसी दिन मुझे किसी ने बताया था या मैंने देखा था कि नोटिस बोर्ड पे किसी ने कुछ चिपका दिया था। और वो लिटरेचर डिपार्टमेंट भी उन दिनों में क्या था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का, कि वो क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 5 लड़कियां थी। सही। और वो 5 लड़कियां आगे बैठी थी, पीछे 55 लड़के पीछे बैठे होते थे। तो वो जो 5 लड़कियां आगे बैठती थी वो यूं मुड़ के नहीं देखती थी। तो वो जब नोटिस बोर्ड पे लग गया तो वो बड़ा वो एक अजीब सा वो था, क्योंकि वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी उन दिनों का। ओ, और लगा क्या था, कुछ याद आपको? तस्वीर लगाई, कैप्शन काट के लगा दिया। लेकिन बचत ये थी कि अयूब खोसो साहब आ चुके थे टीवी पे और वो भी यूनिवर्सिटी में थे, वो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते। तो वो ये हो गया था ना कि हसाम काजी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी क्वेटा के थे। तो मतलब वो एक दौर था कि जब क्वेटा के बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें आए थे। अच्छा, और क्वेटा से बहुत बड़ी जरखेजी थी अगर आप एक्टिंग के हवाले से देखें तो, लैला जुबैरी क्वेटा से, आप क्वेटा से, अयूब खोसा क्वेटा से, हसाम काजी क्वेटा से, मतलब
काफी जरखेज जमीन है इस मामले में रियाज क्वेटा से, तो ये तो कहने को सिर्फ हम लोग ये नहीं कह सकते कि जी पंजाब में, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की जमीन है, क्योंकि वहां से देखा जाए तो बुशरा अंसारी पंजाब से है और बहुत सारे लोग, खासतौर पर मेरे कॉलेज से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ की जमीन भी काफी जरखेज है, या ये कहा जाए कि हमारा मुल्क ही बड़ा सिंध का बहुत है, मतलब सिंध का टैलेंट। फिर ये कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन में आपको टैलेंट बहुत मिलता है। टैलेंट बहुत है, बस उसको ग्रूम होने की, ग्रूमिंग और मौका मिलने की देर की बात। सही, सरगम की अदान समी साहब आपकी जिंदगी में आ गए, उस फिल्म को आज क्या कहती हैं आप, हाय काश ना की होती, या चलो लाइफ में ये भी अच्छा था। सरगम की अदान समी साहब आपकी जिंदगी में आ गए, उस फिल्म को आज क्या कहती हैं आप, हाय काश ना की होती, या चलो लाइफ में ये भी अच्छा था। नहीं, अच्छा था, सरगम बहुत मजे की फिल्म थी, मेरे ख्याल में सैयद नूर के बेहतर कामों में से है, और बल्कि उस फिल्म के लिए मुझे मनाने वाले दो ऐसे लोग थे जो मुझे तब भी बहुत प्यारे थे और मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ मुझे और भी प्यारे रहेंगे, एक तो रियाज़ुर रहमान सागर साहब जी, और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त नजमो जमान, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अभी तो नजम को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नजम, तुमने फिल्म करना है, मुझे इंडिया में फोन किया, तुम फिल्म करोगी? अच्छा, मैं फिल्म करूंगी, कौन सी? बस हम कह रहे हैं तुम फिल्म करोगी। अच्छा, ये पता नहीं करूं कौन सी करूंगी, लेकिन करूंगी। नजम से दोस्ती, मतलब नजम ट्रस्ट वाला, कि वो अगर कह रहे तो यकीनन मेरे मिजाज का काम होगा। नहीं नहीं, नजम के साथ थी और सागर साहब से भी वो अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर जब मैं आई और जब उसका उसकी बल्कि ओपनिंग की थी सैयद नूर ने, और मैं बात कर रही हूँ 90 की, जब पाकिस्तानी फिल्में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, तब उसकी ओपनिंग जो की थी, पूरे हॉल में सिर्फ एक पियानो रखा था और मुझे अंदर आना था घरारे में, और वो बस फूल एक फूल हैंड ओवर करने थे, तो बड़ा ही उन्हें सिंपल क्लासिकल का क्लासिकल सा रखा था, और महाराज कथक उसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत थे। तो सरगम डेफिनेटली एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म थी, और फैमिलीज वापस आए थे सिनेमा में सरगम के वक्त। और आपने अपनी फैमिली बनाई सरगम में? मैंने अपनी फैमिली बनाने की कोशिश की थी सरगम में। उसके लिए क्या रिएक्शन, कितना मनाया कि एक तो लव मैरिज? नहीं, असल में मेरे पेरेंट्स या कहीं ना कहीं फैमिलियाँ जुड़ गई थी आपस में? नहीं, मेरी फैमिली का ये था कि जहाँ खुश है, मतलब वो उस तरह के नहीं थे कि नहीं स्टबर्न नहीं, नहीं वो इस तरह की जहालतें, अपनी जिंदगी जीनी है तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जहालतें नहीं है फैमिली में, कोई जहालतें नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई इस तरह की बातें नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गुस्सा मम्मी और डैडी को आता होगा अगर दोपहर में कोई उनको जगाते जब वो सो रहे हो, सबसे बड़ी बहुत सबसे बड़ा गुनाह ये होता है हमारे घर में, या अगर कोई झूठ बोले या कोई बेईमानी करे। अच्छा, हाँ, बाकी आप जो करने करें, जो दिल में आए, हाँ, कोई उसूलों से गिरावा कोई गिरी भी कोई हरकत ना करनी करना। कहाँ आपको लगता है कि अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी जगह झोल आ गया या गलती हुई कि लाइफ मैनेज नहीं हो सकी और रास्ते अलग करने पड़े? मेरे घर में देखिए, जिंदगी में अब ये दुनिया है, ना ये जन्नत है ना दोजख है, बिल्कुल एक दरमियान का एक टेस्ट है, इम्तिहान है, बिल्कुल, जिससे हमें गुजरना होता है, और अल्लाह हमारे सामने मुख्तलिफ, वो जैसे ऑब्स्टिकल टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं और फिर वो देखा जाता है कि कैसे हैंडल करते हैं। तो वो ऑब्स्टिकल्स जब आते हैं, जो आपकी अपनी ज़हनी नफ्सियाती कैफियत होती है, आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं और आगे कैसे जाते, बर्दाश्त बहुत चाहिए होती है ज़िंदगी से गुजरने के लिए। माशाल्लाह अजान बड़े हो गए, उनकी अपनी फैमिली है। जब मैं सोचती हूँ तो औरत की ज़िंदगी, जैसे कई औरतें आती हैं मेरे पास, कहते हैं एडवाइस हो, औरत के अंदर होती है जब घर के चार दीवारी के, डेफिनेटली शौहर से इख्तलाफ भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, ससुराल से भी होते हैं, लेकिन जब औरत घर से बाहर जाती है, जब इंडिपेंडेंट होती है, तो भी झगड़े होते, तो भी इख्तलाफात होते, तो भी मुश्किलें होती हैं। सिर्फ ये है कि घर के अंदर वो महदूद लोग होते हैं जो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो कर रहे होते हैं, बाहर की दुनिया में अजीब अजीब लोग दुश्मनियाँ पैदा कर रहे हैं, मुश्किलें पैदा हो रही होती, आपको पता नहीं होता, होती वही चीज़ है जब आप उनको बिल्कुल जेलसी, हसद, वही चीज़ें होती हैं। इतनी कामयाब जिंदगी, मतलब इंडस्ट्री में भी कामयाब, नाम भी कामयाब, फिर फैमिली भी कामयाब, क्या इस तरह के हसद का आपको भी सामना हुआ? होता होगा, मैं इन चीज़ों में
मैं जरा अपने काम से काम रखने वाली। ब्लेम किसे देती हैं अपने घर के इस रिलेशनशिप के खत्म होने का? हालात और इर्द गिर्द भी बहुत लोग थे जिन्होंने। मुझे लगता है कि उस वक्त आप दोनों बहुत यंग एज में भी थे, उस यंग एज में भी फैसले कभी कभी हमसे बहुत जज्बाती अंदाज में गलत भी होते हैं। नहीं, वो भी होता है, लेकिन फैमिली का भी बहुत साथ चाहिए होता है। और अगर फैमिली बड़ों का समझाना, अगर बड़े ही कोई गेम खेल रहे हो, तो फिर आपको नहीं पता चलता ना। अच्छा, इस तरह की बड़ी हेडलाइंस आपके लिए लगती रहीं कि जी अब ज़ेबा ने एक और शादी कर ली, फिर ज़ेबा ने, मुझे खुद लोग बताते हैं गिना के से शादी, माम की 9 शादियां मैंने गिनी हुई जी, मेरी शादी में कहती थी ये शादियों में चावल कौन खा रहा है, मैं तो नहीं खा रही, बाकी कौन है जो मेरी 9 शादियां अटेंड कर चुके। आपको मैंने 5 शादियां गिनी है, तो कम से कम 5 शादियां। मुझे फोन आते लोग के, अच्छा सुने तुमने शादी कर ली, अच्छा बताओ किससे की है, कुछ नहीं। अच्छा, फिर दुख भी होता है, अखबारें बिक रही हैं। हाँ। अच्छी बात है, उनको अपना कारोबार चलाने सही। अब ये जो आप हल्का हल्का पियानो बज, ये जो म्यूजिक मेरे कान में और आप सबके कान में जा रही, तो ये अजान नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई म्यूजिक, अपनी फिल्म की म्यूजिक पे काम हो रहा है? अजान की फिल्म की म्यूजिक पे भी काम हो रहा है, और वो उनके टीचर भी आते हैं, उनके उस्ताद आते हैं, तो वो उनके साथ काम। अजान का अपनी शादी के बाद क्या चेंज आया आपके और अजान के रिलेशनशिप में? मैं जो हमेशा उसको कहती थी ना कि अच्छा बाहर जा रहे हो बता के जाओ, और तुम्हें कभी समझ नहीं, मैं कहती थी ना कि तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब जब उसका बच्चा, कहते हो अच्छा पता चला, कहते हाँ पता चल गया। स्वीट। अजान में अपने अब्बा की कितनी मिजाज की चीज़ें आई हैं? डेफिनेटली आर्टिस्टिक रुझान आया है, और कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। जनाब, यहाँ अपनी इस गुफ्तगु को थोड़ा सा इख्तिताम पे करेंगे, बार बार मुझे घड़ी दिखा रही है, यानी ये इसका मतलब ये है कि भाई मेरी जिम का टाइम हो रहा है, प्लीज़ मेरी एक्सरसाइज को मत डिस्टर्ब करें, और मुझे जाने तो हम इन्हें बिल्कुल जाने देंगे, बल्कि हम इनके साथ साथ चलेंगे, और जाते जाते कोशिश करेंगे कि अगर हमें अजान मिल गए तो 2 सेकेंड हम उनसे बात कर लें और जाने अम्मा के बारे में वो क्या कहते, अगर नहीं हो सकी तो ये जनाब हमारी मजबूरी होगी, वरना जिम तो हम जा ही रहे हैं, जल्दी से चेंज करें निकलते हैं फिर। अब हम जा रहे हैं जानने के लिए कि अपने आप को मेंटेन रखने के लिए आखिर वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी पड़ती हैं इन साहिबा को, तो इनके जिम जा रहे हैं ना। नहीं, कोई एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत, वैसे भी फिट रहने के लिए भी ना, रिलैक्स रहता आदमी। देखिए, पाकिस्तान में लोग खेलते नहीं हैं, वो होता है ना कि घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, सही बात, बैठे हुए पे इतना स्ट्रेस रहता है ना कि वो बाकी सब कुछ चलना फिरना भूल जाते हैं। आप ये बताएं कितनी रेगुलर है जिम के लिए, डांट वांट खाती होंगी इंस्ट्रक्टर से? थोड़ी बहुत खाते, वो एक लोग काफी होती है, मुझे पता चल जाता है। फिर एक हफ्ते बाद आई है या 3 दिन का गैप? ये होता है कि जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तब जरा मुश्किल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे करना होता। आपने पीटीवी से स्टार्ट लिया जब था, जब आपने किया अनारकली, अनारकली से लेकर अब तक इंडस्ट्री ने बहुत ऊंच नीच देखी, कलाबाजियां खाई, अब कहाँ देख रही हैं आप इंडस्ट्री को? इस वक्त मैं समझती हूँ कलाबाजी के ही दौर में है। अच्छा, लेकिन आगे से पलट के सीधी होगी? पलट के तो आखिर में सीधी होगी, क्योंकि हमारे पास टैलेंट बहुत है, काबिल लोग बहुत है। अभी एक दौर जो है, इसको आप कौन सा वाला दौर कहेंगे? ये अब इस वक्त कैसे ड्रामा, क्या लग रहा है आपको, ड्रामा है क्या इस वक्त, और आप क्यों नहीं है ड्रामे में? ये भी भाई, ड्रामे में एक मेरे ना होने की वजह ये है कि मैं समझती हूँ कि स्क्रिप्ट्स बहुत ही सब स्टैंडर्ड आ रहे हैं। अच्छा, चलें जी, जरा इधर ही रुक, देखते हैं आखिर जिम में ऐसा कौन सी वाली वो एक्सरसाइजेज होती हैं। जी, यकीनन यही ट्रेनर होंगे आपके? जी, ये परवेज है, मेरे ट्रेनर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मजे में, आप बताएं। कैसी स्टूडेंट है ज़ेबा? कंसिस्टेंट है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा पुश करना पड़ता है इनको, बट शी इज गुड, शी इज वेरी गुड एक्चुअली। कितना मजा आता होगा तुम्हें कि पूरा पाकिस्तान जिस ज़ेबा बख्तियार के पीछे पागल है। मैं उन्हें डांट भी सकता हूँ, उन्हें आंखें भी दिखा सकता हूँ, उन्हें सब कह भी सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे करें। हाँ, डांटने की जरूरत नहीं पड़ती, बट समटाइम्स यस, डांटना पड़ता है।
डर्टी लुक मिल जाती है, मिल जाती ना, वो भी बताया इन्होंने हमें। आई हैव टू बी जजमेंटल समटाइम, सो यस, हमारे थोड़ा हार्ड होना पड़ता है इनके ऊपर, हार्ड होना पड़ता है, बट शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग करती है? हाँ, इनकी 4 डेज अभी इनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, वेट्स के साथ हम लोग करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बाकी कार्डियो ये सेपरेट करती है सेपरेट डेज में। यहाँ पे हम लोग कम्प्लीट इनका बेस है स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि ये डायबिटिक भी हैं और एज भी है इनकी ज़्यादा, तो मसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर टू बिल्ड, प्रिजर्व करने अच्छी बात है, बट हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इसको बिल्ड करने में। तो जितना ज़्यादा मसल स्ट्रॉन्ग हो गया, बोन्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, वेट लॉस ज़्यादा बेटर होते तरीके से हो सकता है, तो इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहता है। जनाब, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनके बारे में भी इतना सब कुछ उन्होंने बोला, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये सारी टेक्निकल बातें उसको पता चलती जो एक्सरसाइज करता हो। मैं अब शुरू कर दी है मैंने, लेकिन जनाब करती हूँ, और ख़ास तौर पर जब इस तरह के लोग मेरे साथ होते हैं तो फिर तो और दिल करता है देख के कि नहीं, मुझे भी जब दादी बनना तो इतना ही स्मार्ट वैसे जेबा मुझसे पूछे नहीं दादी, दादी अम्मा, इतनी स्मार्ट दादी, किसने कहा है कि दादी का मोटा होना जरूरी है? किसने कहा दादी जिम नहीं आएगी? हाँ, किसने कहा दादी जिम नहीं आ सकती? सही बात। किसने कहा दादी कलाबाजियाँ नहीं खा सकती? मतलब आपका पोता तो बहुत फख्र करने वाला है। दादी अम्मा 2015 बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। तो स्टार्ट करें आप लोग प्लीज अपनी एक्सरसाइज, ताकि हम देखें और हम उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। टफ एक्सरसाइज करती हूँ भाई, बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं है वो इस वक्त। आप तो बकायदा टफ एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्चुअली इस वक्त ये काफी लाइट है, वैसे ये अच्छी लाइट है, ज्यादा टफ करती है एक्सरसाइज। अच्छा, और कितना टाइम? एक घंटा, आधा घंटा? एक घंटा मिनिमम, एक घंटा, एक घंटे से कम। एक घंटे फायदा भी एक्सरसाइज ही नहीं होता, वो दिल खुश करने वाली बात है। आज तो बहुत मतलब अपने आप को सेट रखना है और अपने आप को फिट रखना है, तो थोड़ी सी मेहनत टफनेस के साथ जरूरी है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, तो फिर आप उसके 1-2 घंटे तो देते ना। बिल्कुल, लेकिन लोगों ने मसरूफियत अपनी बड़ी, बहुत सारी चीज़ें ना, वो घर में टीवी देखना होता है, वही कर रही हूँ ना, घर में टीवी देखना। सही बात है। तो जनाब यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वहाँ हम चल के गपशप करेंगे। तो आइए मेरे साथ, बल्कि आप एक काम करिए, आप एक लीजिए ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं आपको एक और नई जगह पर मिलूँगी। का कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, उसको ये पहचानना चाहिए कि वो कौन है। एक सांचा है बड़ा झूठा किस्म का जो हम माशरा बनाते हैं कि जी औरत ये है। ये हमें लेके जा रही हैं ग्रॉसरी करने। ये मुझे जरूरत है घर की चीजें, मैंने आपने कहा क्या क्या करती हूँ दिन में, मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ? तो वैसे तो आपने ये भी बताया कि बहू करती है सारे काम अब आपके। काफी कुछ पिछले 1-1.5 साल से तो मेरी बहू करती है ये, लेकिन अभी वो लंदन गई थी। हाँ, तो मुझे पता चला कर रही हैं आप उस गुड़िया को हमारी। सारी बात है, मैं मिस कर रही हूँ मेरी गुड़िया है। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो घर के भी अरेंजमेंट में, क्योंकि वो आर्टिस्ट है और वो बहुत आर्टिस्टिक है, तो बड़ी अच्छी सजेशन देती है। अब वो मैं फंस गई हूँ कि वो मुझे आदत हो गई उसके आइडियाज की। अच्छा ये बताए, पोते में तो बसी हुई है जान, नाम क्या है? मुझे तो इब्राहिम माशाल्लाह, इबू बाबा हैं वो। इबू बाबा बिल्कुल अजान ही कैसे हैं, मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ, क्योंकि इबू बाबा, इबू बाबा कभी अजान लगते हैं, कभी सोफिया लगते हैं। अच्छा, दोनों दोनों की बात, मिक्सचर है, मिक्सचर है। अच्छा, सेंसर बोर्ड, अब आप मेंबर है सेंसर बोर्ड। अच्छा मुझे ये बताया, सेंसर बोर्ड का असल काम क्या होता है? मतलब क्या देख रहा होता है फिल्मों में, ऐसे कौन सी चीज काटी पिटी करते हैं आप लोग? नहीं देखिए, काटी पीटी करने का हमारा वो इरादा नहीं होता है, ना ही कोई ऐसा एजेंडा होता है काटी पीटी करने वाला। सेंसर बोर्ड में ये होता है कि हमने देखना होता है कि वो फिल्म में कोई एंटी पाकिस्तान चीज़ तो नहीं है, एंटी स्टेट, एंटी नेशन चीज़ तो नहीं है। सही, वो चीज़ें देखी जाती हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो वाकई जहनों, लोगों के जहनों पर कोई बहुत बुरा असर डाले। सही सही।
अच्छा, जब ग्रॉसरी करने आती हैं तो लोग आ जाते होंगे मिलने मिलाने, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? इतना कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नज़र ना आऊँ। मुँह छुपा कर आती हैं? नहीं, मुँह नहीं छुपाती हूँ, बस मैं अपने आप में गायब हो जाती हूँ। काफ़ी अरसे से आप डायबिटीज से फाइट कर रही हैं। 25 साल पैदा होते ही करवा ली थी ये बताइए, क्योंकि इतनी यंग एज में होना, मतलब जब काम शुरू किया था तब हो गया था। पता चला तब डिप्रेशन लिया आपने? आपने कहा नो तो मसला ही नहीं, कर लेंगे। नहीं नहीं, शॉक लिया, डिप्रेशन लिया, लेकिन फिर जरा सोचा समझा और अब तो है, अब तो शुगर है क्योंकि उससे बहुत बुरी बीमारियां होती है। बिल्कुल, डायबिटीज तो जरा नखरे वाली बीमारी है। तो कंट्रोल रखती है या कभी कभी बदपरहेजी चलती है? बदपरहेजी तो होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि घर में खाना वाना बनाती हैं कभी? अभी दिन आज भी अजान करते हैं या अपनी बेगम से फरमाइशें करते हैं? अम्मा से फरमाइशें नहीं होती? नहीं, उसकी बेगम और चीज़ें बनाती है, मैं और चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा जी, करेले खाती हैं? करेले खाती हूँ और करेले मुझे पसंद है अगर अच्छे बने हुए हों। बहुत ज़्यादा तेल मुझे शुरू से नहीं पसंद। हाँ, वो तो मुझे पता, लेकिन मुझे देसी खाने पसंद है। अच्छा, कोयटा में जैसे रहते हैं, कोयटा में तो बहुत कम मिर्ची वगैरह भी खाई जाती है ना, तो आपका वही वाला टेस्ट अब तक चल रहा है या अब यहाँ के मिर्ची वाला? नहीं, मैं मिर्ची शुरू से खाती हूँ। अच्छा, ज़्यादा भी खाती थी, लेकिन कुछ चीज़ें फीकी भी अच्छी लगती है, लेकिन देसी खाना मैं फीका नहीं खा सकती। अच्छा हाँ, ये तो है, देसी खाना तो पीकर नहीं। कोयटा में तो वो होता है ना, खाने ही बहुत कम हरी मिर्च या गोल मिर्च वाले बनते हैं। काली मिर्च नमक के साथ खास वो बड़े मशहूर मशहूर वहाँ के, जो रोश है जिस तरह, और इस तरह के ये खाने तो होते ही बगैर मिर्च वाले हैं, लेकिन उनमें अपना बहुत जायका होता है। ठीक है, तो मुश्किल खाने नहीं खाने, आसान आसान खाने खाने और इस तरह की ग्रॉसरी करनी जरा, ये सब भी चलता रहेगा। लेकिन देखते हैं ये ग्रॉसरी ख़त्म हो के हम कहाँ जाते, तो रहिए हमारे साथ और चलते हम, आइए। जी नाज़रीन, हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही अच्छे कराची के रेस्टोरेंट में और यहाँ मेरे साथ ज़ेबा के बहुत ही अच्छे दोस्त, उनके कलीग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, मज़े की बात ये, और काम है उनका पकाना, मेरा मतलब है कि लिख लिख के पकाना। जी हाँ, वेरी गुड राइटर है यकीनन, आप सब जानते हैं, और अपनी राइटिंग से वो अच्छा खासा पका देते हैं आदमी को, कि पढ़ पढ़ के जब मैं उनका स्क्रिप्ट पढ़ती थी तो मैं कहती थी कहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है और कहाँ जा रही है, क्योंकि जो अच्छा राइटर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं बात यहाँ जो छोड़ रहा हूँ उसे चौथे सफ़े पे ले जाके मैंने लिंक कैसे कर दी। आजकल के राइटर्स के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन जिसको मैं जानती हूँ उसका नाम है ज़फ़र महराज। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्वेटा क्वेटा, हम क्वेटा वाले ना, क्वेटा वाले अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं। नहीं, जाहिर है, हाँ, छोड़ ही नहीं सकते ना, वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, कोई एक कॉमन चीज़ें होती है। सही। अच्छा, ज़ेबा फ्रेंड भी हैं, एज अ डायरेक्टर आपने इनके साथ आपके स्क्रिप्ट पे इन्होंने काम किया, दोस्ती से हट के जब डायरेक्टर बनती हैं तो कैसी होती हैं ये? ज़ेबा से जो मेरा जो वाकफियत पहली हुई वो मासूरी पे हुई। अच्छा, मैं जब मलेशिया से आया था मासूरी का कॉन्सेप्ट लेके, और वो आपको सब मालूम है, तो मुझे नहीं ख्याल था कि कभी इस पे कोई बन सकेगा इस सब्जेक्ट पे कुछ, तो मुझे इनकी इनका मैसेज मिला, और ज़ेबा तो ज़ाहिर है माशाल्लाह ज़ेबा थी हम, तो वो लोड इन्होंने उठाया जी। और वो मासूरी पर, अच्छा उस सीरियल की खूबी ये है कि वो मलेशिया वालों को भी उस सीरियल से पता चला कि यहाँ कोई मासूरी थी। वहाँ कितने हम परेशान हुए थे जब लोगों ने, मैं तो उस वो जो राउंड था मुझे नहीं पता था ये कबर है। इन्होंने बताया ये कबर, इसको महसूस करो। मैं कैसे, मैं क्या महसूस करूँ? आप डरी थी? डरी थी मैं, कि ये तो रात के 2 बजे हम बैठे रात के 2 बजे और महसूस करवा रहे कबर को, मतलब हद हो गई है कि महसूस करो। फैसल इसकी मोहब्बत में आया और तुम फैसल से मोहब्बत कर रही हो, मैं कही यार मतलब वो महसूस कर उसकी। ज़ेबा को 3 अगर हिस्सों में बांटे, डायरेक्टर, मदर या फ्रेंड, सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगता है? यार देखिए, मैं तो काफ़ी अरसे का इतना साथ है मैंने, तो इसलिए तो आपसे पूछा ये सवाल। मुझे इनके तीनों लोग देखें, एज ए मदर 12 साल हो गए, हाँ 12 साल हो गए, मैं एज ए मदर पूरी दुनिया के सामने है,
कितना वो उस बच्चे के लिए कहाँ तक लड़ी और क्या ब्रॉटअप किया कुछ, और बाज़ औक़ात हम बैठते हैं तो अभी एक डिस्क्लोज कर लूँ कि इनकी बायोग्राफी पे भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। हाँ, ज़ेबा एक बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल, मैंने आखिर इन्हीं को कहा क्योंकि इनसे मेरे इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि मैंने इन्हें कुछ भी कह सकते हो, मुझे पता है ये समझ के उस चीज़ को बेहतर लफ्जों में ढालेंगे। प्रोड्यूसर मैंने इनको देखा है, बाकी वो जो अच्छा यहाँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पे मुझे ज़ेबा के जैसे, मैं ऑनर एक बात है, बुरा भी लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लेकिन जो एक डिज़ाइनिंग है ना, मैंने कहा ना ज़ेबा डिज़ाइन कर देती थी, वो इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ती थी कि अच्छा यहाँ पे 180 क्रॉस हो रहा है या शॉर्ट है फलान है, वो असल में वो थी कि जो जो आँख को अच्छा लगे, आँख को अच्छा लगे वो डिज़ाइन कर देती है, उसके बाद ये मस्त हो जाती हैं। बेसिकली तो ये नेचुरल बहुत शरीर हैं और बहुत मजाया और चीविटी जिसको कहते हैं, लतीफे ये लोगों को नहीं पता ना, अक्सर मुझे वही गमजदा औरत का रोल मिलता है, इसलिए मैं काम नहीं करना चाहती। कहीं आपको लगता है ज़ेबा को अपनी लाइफ में रिग्रेट हुआ जब पूरी लाइफ को देखते? ज़ेबा का अपने आप से रिग्रेट करती है, कोई दूसरा शख्स नहीं है। नहीं, मैं इनकी पर्सनालिटी हाँ, को लेकर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इनकी अपनी जिंदगी में क्या है? नहीं, अपने तौर पर वो कहीं रिग्रेट करती हैं तो अपने आप से करती हैं। एक शख्स ने अपने आप को वो वक्त नहीं दिया, बाकी सबको दिया। अगर आपसे कहेंगे आप तो लिखते बहुत कमाल है, चाहे वो म्यूजिक साइड पर आए, गाने देखें, नज़्म देखें या फिर ड्रामा देखें, आपको क्या लगता है कि आपकी किसी लिखी हुई चीज़ में ज़ेबा सिमटी है? कोई ऐसी चार लफ्ज़ों में हमें समेट के दिखाएं ज़रा ज़ेबा, प्लीज़ जी, अगर हो सकता है तो, अगर कहीं आपको लगता है कि मेरी वो लिखी हुई नज़्म या मेरी कोई लिखी हुई मेरी नहीं है, एक परवीन शाकिर की है, एक शेर है उनका, दोबारा मिलना है आपने मुझसे। लड़कियों के दुख अजब हैं, सुख उससे भी अजीब, आंख रोती है तो काजल भीगता है साथ साथ। आपको लगता है कि ज़ेबा के लिए परवीन ने लिखा था? इनको तो रोती लड़कियां जहर लगती है। मतलब रोती लड़कियां और मतलब कुर्बानी देने वाली मशरिकी औरत जो सारी बक बक फजूल चीज़ें सुन रही है और जी हुजूरियां कर रही है। आप चाहते हैं कि औरत को इत्तेजाज जो उस रजिस्टर ज़रूर करवाना चाहिए, औरत की का कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, उसको ये पहचानना चाहिए कि वो कौन है। एक सांचा है बड़ा झूठा किस्म का जो हम माशरा बनाते हैं कि जी औरत ये है, हर औरत वो नहीं होती, दो इंसान एक जैसे नहीं होते, तो इंसान को अपने आप को पहचानने का तो मौका मिले। मुझे लगता है कि आज के शो में आप लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। ये सिर्फ शो आज का देखने का नहीं था, पर्सनालिटी को समझने का, जानने का, और इनके तजुर्बों से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसलिए भी इस तरह के शोज़ होने चाहिए और इसलिए हम ये शो करते भी हैं। और बहुत नॉर्मल सवालों से हट के इसलिए मैं वो वाले सवाल करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है जिसकी ज़िंदगी से कुछ मैं सीख सकूँ या कुछ आप सीख सकें। यहाँ मैं थैंक यू कहूँगी, थैंक यू सो मच आप दोनों का, और आपका खासतौर पे कि हमने पूरा दिन आपको पकाया है। आपको इजाजत है पकाने की, और बहुत कम लोग हैं जिनको मैं पकाने की इजाजत देती हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ये पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करके। तो जनाब यहाँ मैं आपसे लूंगी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।